अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, सिर्फ 1.5 साल के मुख्तसर अरसे में महंगाई इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जिसमें दालें हो या घी हो, गोश्त हो या सब्जियां हो, सबकी ही कीमतें जो हैं वो एक आम आदमी की दस्तरस से बाहर होती जा रही हैं। और अब आटे के इस बहरान ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। लोग इस वक्त हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि एक ज़रई मुल्क में आटे का बहरान किसने और किन मकासद के लिए पैदा किया। वुज़रा कह रहे हैं कि आटे का कोई बहरान नहीं, लेकिन अवाम लाइनों में आटे के हुसूल के लिए ही खड़ी नजर आ रही है। रोजमर्रा की जो अशिया हैं वो अवाम की पहुंच से हर गुजरते दिन के साथ दूर होती नजर आ रही हैं। वुज़रा गाहे बगाहे सब अच्छा है कि गिरदार में मसरूफ दिखाई देते हैं, और एक ऐसे वक्त में कि जब अपोजिशन को भरपूर अपोजिशन करने का मौका मिला है और हुकूमती गलतियों को हाईलाइट करने का और अवाम की आवाज बनते हुए हुकूमत का मुहासबा करने का मौका मिला है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ऑपोजिशन मुकम्मल तौर पर गायब नजर आती है। आखिर ऑपोजिशन अपना किरदार अदा करने से कासिर क्यों नजर आ रही है, हम ये सवाल भी उठाएंगे। और साथ साथ हम देखते हैं कि हुकूमत ने सारिफीन पर बिजली बम गिराने की भी तैयारी मुकम्मल कर रखी है, और जो गैस टैरिफ है उसमें भी 214% इंक्रीमेंट की जो समरी है वो ECC को पहुंचा दी है। अब ये सिर्फ महज 1.5 साल के दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अवाम ने 15 मरतबा से ज़ायद जो है बिजली कीमतों के इजाफे को जो है अवाम बर्दाश्त करती नजर आ रही है। क्या सारी मुश्किलात का बोझ सिर्फ अवाम के ऊपर ही डाला जा रहा है? क्या इदारों की जो परफॉर्मेंस है या उनकी जो डिलीवरेंस है उसका ना होना भी अवाम की जेब से ही निकाला जा रहा है? हम इन तमाम इशूज को अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे, और साथ साथ बात करेंगे जो पंजाब में उस्मान बुज़दार के इत्तेहादी यानी कि काफ लीग वाले उस्मान बुज़दार साहब की नाकामी का मीडिया में भी ढंडोरा पीटते नजर आ रहे हैं। न सिर्फ ये कि इत्तेहादी बल्कि अब तो हुकूमती वज़रा के अंदर से भी आवाज उठना शुरू हो गई है, और एक फॉरवर्ड ब्लॉक की भी खबरें जो हैं वो भी आना शुरू हो गई हैं, बाज़गश जो है वो नजर आ रही है। अब ये खबरें मुसलसल मीडिया तक पहुंच रही हैं या पहुंचाई जा रही हैं कि उस्मान बुज़दार तब्दील होने वाले हैं। वजीर आजम अभी भी एडमेंट नजर आ रहे हैं, वो डटे हुए हैं कि उस्मान बुज़दार ही CM पंजाब रहेंगे। तो क्या काफ लीग और PTI में जो मामलात हैं या PTI के अपने अंदर जो मामलात हैं वो उस्मान बुज़दार को लेकर खराब होते नजर आएंगे? और फिर क्या ऐसा कुछ होता नजर आएगा कि ऑपोजिशन से मिलकर इन हाउस तब्दीली के लिए जो है कोई कोशिश जो है वो होती नजर आए? हम इन तमाम मामलात को अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे, अवामी मसाइल और हुकूमती नाअहली दर नाअहली पर भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ जो मुल्की सियासत का सूरत का जायजा है उसकी भी हम उस सूरत हाल का भी जायजा लेंगे। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड हम अपने ऑनरेबल पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवाते चले। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं रिजवान राजी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, आप इनको देखते और सुनते रहते हैं। हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब, सीनियर इकोनॉमी एनालिस्ट हैं, और हमें टेलीफोन बीपर पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर रमेश कुमार साहब, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसा कि आप सब लोग इस वक्त देख रहे होंगे कि एक ही शोर बरपा है पूरे मुल्क में, चाहे कराची हो, चाहे KPK हो, चाहे पंजाब हो, और वो है आटे का बहरान। हम पहले आपको सुनवाना चाहेंगे कि ऑपोजिशन की जानिब से क्या आवाज उठाई गई है। आज सेनेट में परवेज रशीद साहब भी बोलते हुए नजर आए, क्या सेनेट में आटे के बहरान के ऊपर हमें गूंज नजर आई? लेट्स लिसन टू दैट फर्स्ट एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर डिस्कशन हियर। आपकी तवज्जो है कि किस एहतसाब के जरिए अपने किस सियासी मुखालिफ को फांसी की कोठड़ी में रखना है, किस सियासी मुखालिफ को एहतसाब के नाम पर एयर कंडीशनर से, दवाई से, बिस्तर से महरूम करना है। आप कहते हैं कि सुकून कब्र में है, सुकून कब्र में उसके लिए है जिसने अपने लोगों के मुंह से रोटी का नवाला नहीं छीना। आटे का बहरान वाहिद बहरान नहीं। चीनी की कीमतें क्यों बढ़ी? चीनी भी पाकिस्तान में वाफर पैदा हुई। आटे की कीमत बढ़ जाती है, चीनी की कीमत बढ़ जाती है, गैस मयसर नहीं है, बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, और डॉलर ने जिस तरह छलांगें लगाई थी, रात को सोते थे डॉलर का रेट और होता था, सुबह उठते थे डॉलर का रेट और होता था, ये डॉलर किसकी जेब में गए?
जी, जैसा कि आपने आवाज अगर आई हो आपको, तो जो हमें सेनेट में इस वक्त आवाज उठी नजर आई है इस आटे के बोहरान को लेकर, अगर आप लोग हमें इजाजत दे तो हम डॉक्टर इकरामुल हक साहब, अगर हम आपकी राय ले लें, फिर हम रिजवान राजी साहब की जानिब भी आएंगे। ये सवालात आपके सामने रखे जा रहे हैं कि जो हमारे सामने आटे का क्राइसिस है, बोहरान है, उस पर सबकी चीखें निकल रही हैं और हमें हुकूमती वुज़रा की जानिब से कहा जा रहा है कि ये मस्नूई बोहरान है, ये ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से पैदा हुआ, और अपोजिशन कुछ और बात सामने ला रही है, तो आखिर वजह क्या हुई? क्या ये हुकूमत की जो लैक ऑफ गवर्नेंस है ये उसका एक नतीजा है जो कि अवाम को भुगतना पड़ रहा है इस वक्त? जी, इसमें तीन चार बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स हैं। पहला तो ये कि एक इंतहाई, जिसको हम कह सकते हैं कि नालायकी, दूसरी इसमें करप्शन भी है, और तीसरा इसमें जो एक पहलू जो बहुत कम सामने आ रहा है कि इन्होंने एक फैसले के मुताबिक जो थी बड़ी मकदार में गंदम जो थी एक्सपोर्ट कर दी, और उस वक़्त वज़ीर आज़म मोहतरम को बताया भी गया था कि दरअसल इसका बहरान पैदा होने का ख़दशा है सितंबर अक्टूबर में। फिर उन्होंने हुक्म भी दिया कि आप तकरीबन 2 लाख टन के करीब जो है वो मंगवा लीजिए, मगर बाद में उस पर अमल नहीं हुआ। उनको बताया गया कि नहीं, हमने जो प्रिक्योरमेंट है वो ज़रूरत से ज़्यादा कर रखी है। तो यूँ लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं, जो पहले रियल इस्टेट में ब्लैक मनी वगैरह वहाँ लगाते थे और आजकल वो एवेन्यू बंद था, उन लोगों ने इसमें होल्डिंग भी की है। ये गलत पॉलिसी की वजह से एक्सपोर्ट हुई और गलत अदाद व शुमार भी दिए गए, और एक जैसा अभी आप फरमा रही थी, एक रोज़ी पिक्चर पेश करने की आदत पड़ गई हुई है इस हुकूमत के वज़रा को, और फिर वो ब्लेम गेम कभी सिंध पर के उन्होंने प्रिक्योरमेंट एक आने की नहीं की। और इससे पहले हमें ये तासुर दिया जा रहा था और कई साल ये तासुर जो है वो अमली तौर पर कायम भी रहा कि हमारे पास अब खुद कफील हैं और गंदम की हर साल पास को जो था वो जो प्रिक्योरमेंट कर रहा था। और उसके अलावा लेकिन यहाँ पर जब खुसरो बख्तियार साहब आते हैं और कल मीडिया टॉक करते हैं इस क्राइसिस को लेकर आटे की या गंदम की, हम आपको पहले एग्जैक्टली सुनवा दें, व्हाट डिड ही से अबाउट दिस क्राइसिस, एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर डिस्कशन हियर। चमन बॉर्डर पर 2 माह पहले तकरीबन 40,000 टन महाना स्मगल हो रहा था। भरपूर इकदाम किया गया, कार्रवाई की गई और बड़े हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, FCK, कस्टम्स के, FIA के, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के खिलाफ कार्रवाई की गई। जी, ये जैसा कि अभी आपने खुसरो बख्तियार साहब की गुफ्तगू सुनी, अगर आप लोग हमें इजाजत दें तो हम रिजवान राजी साहब का व्यू ले लें, फिर हम हुकूमत से जो है रिस्पांस लेंगे। रिजवान राजी साहब क्या फरमाइएगा? खुसरो बख्तियार साहब कह रहे हैं कि ये जो गंदम का बोहरान है ये मस्नूई है, ये मस्नूई किल्लत 3-4 दिन में ख़त्म कर दी जाएगी, और वो ये भी कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स की जो 10 दिन की हड़ताल थी उसकी वजह से ये सप्लाई जो है ये मुतासर हुई है, और फिर चमन बॉर्डर पर भी 40,000 टन गंदम की स्मगलिंग जो है वो रोक दी गई है। क्या फरमाइएगा, वाकई क्या ये आटे का बोहरान मस्नूई बोहरान है? देखिए, खुसरो बख्तियार साहब जो है ना, वो इस तरह की हिली हिली बहकी बहकी बातें करते रहते हैं। यानी ट्रांसपोर्ट की हड़ताल जो थी उससे मुराद है कि गंदम जो है वो पंजाब में या KPK में नहीं आ रही थी, लेकिन गंदम चमन के रास्ते अफगानिस्तान जा रही थी, हालांकि ट्रांसपोर्ट की हड़ताल थी। ये कैसी बातें करते हैं? खुसरो बख्तियार साहब का बेचारों का अपना मसला ये है कि उनसे वजारत प्लानिंग लेके और उन्हें एक ऐसी वजारत दे दी गई है जिस पे वो खुश नहीं है। और आज अखबारात में ये भी छपा हुआ है कि इस क्राइसिस को क्रिएट करने के एक जो करैक्टर है वो ये भी हैं। बुनियादी तौर पे देखिए, PTI की हकूमत के पंजाब में एक वज़ीर हैं जिनका मैदे का बहुत बड़ा कारोबार है, और मैदा आपको पता है फाइन जो होता है वो इससे निकलता है। उनको पूछ लिया जाए कि उन्होंने आज से 2 माह पहले ओपन मार्केट से जो बेच बहा गंदम खरीदी थी वो क्यों खरीदी थी, और हमने अपने प्रोग्राम कंट्रोवर्सी टुडे में उसकी निशानदेही भी की थी कि वो खरीदारी जा रही है। इसका मतलब है ये जो कुछ भी था इसकी हुकूमत को खबर तो थी। जैसे ही प्रोक्योरमेंट शुरू हुई थी और गोल्ड रस्ट नामी बीमारी जो थी उसके 22-12% के राउंड अबाउट क्रॉप शॉर्टफॉल था, उस वक्त ही महकमा खुराक पंजाब और सिंध दोनों ने शोर मचा दिया था कि गंदम की एक्सपोर्ट बंद कर दी जाए। हकूमत ने गंदम की एक्सपोर्ट जो वो अप्रैल में रिक्वेस्ट भेजी गई थी, लेकिन हकूमत ने मई जून जुलाई में आकर ये फैसला लिया। ये जो 3 महीने का डिले था इसने
पाकिस्तान से बाहर गंदम जाने दी और पाकिस्तान में गंदम की अवेलेबिलिटी का बेड़ा गर्क कर डिले नजर आया। ऑलराइट, पूछ लेते हैं यहाँ पर रमेश कुमार साहब, आपने जैसा कि ऑपोजिशन का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुना, आज सेनेट में भी बड़ी गूंज सुनाई दी हमें परवेज रशीद साहब, सिराजुल हक साहब, ये जो गंदम का क्राइसिस है, और हमने आपको खुसरो बख्तियार साहब की स्टेटमेंट भी सुनाई है। अब सवाल यहाँ पे ये उठाया जा रहा है कि अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर वजीर आजम ने किस बात का नोटिस लिया है? अगर क्राइसिस नहीं था तो फिर 3 लाख टन गंदम जो है आप लोग इम्पोर्ट करने का फैसला क्यों करते नजर आ रहे हैं? और फिर जो यहाँ पर कराची हो, लाहौर, पिशावर या क्वेटा समेत जो पूरा मुल्क है इस वक्त, वहां पर जो आटे की प्राइसेस ऊंचे दाम जो है, वो आटे की कीमत कई जगह पर 70 रुपए किलो है, कई जगह पर 75 रुपए किलो तक पहुंच गई है, तो इस तमाम सिचुएशन को यहां तक लाने का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? मैं तो ये कहूंगा कि मैंने तो 4-5 महीने पहले मुख्तलिफ फोरम के ऊपर ये जरूर बात की थी कि गंदम जो है जिस तरीके से मैनेज की, ये गंदम का क्राइसिस आएगा। मैंने मेरे ख्याल में 10 मरतबा तो मैंने कमेटी के अंदर, असेंबली के अंदर, प्राइम मिनिस्टर के सामने मैंने ये चीजें हाईलाइट की थी, क्योंकि जब गंदम का फसल आता है उस टाइम पे हमेशा गवर्नमेंट गंदम को ऑफ सीजन में रेगुलेट करने के लिए जो है वो सारी फिल्मेंट को देती है। अब हुआ ये कि गवर्नमेंट ने जब परचेज नहीं की, तो गवर्नमेंट ने जब परचेज नहीं की, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है वो परचेज करना, उन्होंने जब परचेज नहीं की तो वो गंदम जो है वो इन्वेस्टरों ने परचेज कर दी। दूसरी तरफ एक परसेप्शन डेवलप हुआ कि भाई 40,000 टन जो है गंदम जो है वो एक्सपोर्ट हो गई 32 रुपए में। जब 32 रुपए में एक्सपोर्ट हो रही थी तो हमारी फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हो रही थी, वहां पे स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर भी मौजूद थे, फाइनेंस कमेटी के सेक्रेटरी भी मौजूद थे, असद उमर साहब भी मौजूद थे। सबके सामने मैंने कहा कि सर ये बहुत बड़ा ब्लेंडर है, आज आप 32 रुपए में अगर आप गंदम बेच रहे हो, मुझसे ये लिखवा लो कि जनवरी में आपको 50 रुपए में भी गंदम नहीं मिलेगी, ये बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट है और उन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। मैं समझता हूँ हमारा सिस्टम जो है फूड मिनिस्ट्री का, चाहे प्रोविंशियल चाहे फेडरल, इन चीजों को, इस चीजों का इलम होना चाहिए कि हमारे पास रोजमर्रा की चीजें की आ रही है। इवन जो रिसर्च सेंटर जो है वो हमारे आज से काला शाहू वगैरह वो काम नहीं कर रहे हैं। हम पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। हमें तो हर चीज का, मैंने 4 दिन तक यशमी जमाल के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्राइसिस आपको चीनी का नजर आएगा, और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि चीनी आपको हफ्ते 10 दिन के बाद 80 रुपए में भी नहीं मिलेगी। तो ये चीजें प्लानिंग होती है हर चीज। चीनी की तो प्राइस ऑलरेडी ऊपर चली गई है आज 2.5 रुपए। मैंने 4-5 दिन पहले जो है ये यशवीन जमाल के प्रोग्राम में था और वहां पे दो और भी गेस्ट बैठे थे, तो उन्होंने कहा आप कैसे समझ रहे हो? मैंने कहा मैं तो 4 महीने पहले गंदम का बता रहा था कि गंदम ये रेट होगा, और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि चीनी आपके हाथ से निकल जाएगी और चीनी का फसल जो है वो बहुत कम है। इस मरतबा जो है वो शुगर मिले अभी तक चल रही है, मगर जब शुगर मिले बंद होंगी तो आपको चीनी जो है वो 80 रुपए में भी नहीं मिलेगी। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जनवरी के अंदर जो है वो चीनी का होल सेल रेट जो है वो 80 रुपए हो जाएगा। तो ये चीजें होती है कि प्लानिंग के साथ खुसरो की तो कल मुझे बात समझ में बिल्कुल नहीं आई जो उसने बात की। एक तरफ बोले हैं कि हम उसी चीज जो है वो अप्रूवल लेके इम्पोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ बोल रहा है कि मेरे पास पास्टो में जो है वो वादे मिकदार में पड़ी है, अगर पड़ी हुई है तो फिर तो उसकी डिस्पर्समेंट होनी चाहिए, फिर उसको क्यों? तो मैं समझता हूँ कि फैक्ट के साथ बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपकी बात सुनकर ये तासुर मिल रहा है कि आप रियलाइज कर रहे हैं कि कहाँ क्या गलतियां हुई हुकूमती हलकों में भी, जबकि जो बाकी वुज़रा है वो हमने, जैसे कि हमने आपको खुसरो बख्तियार साहब का जो स्टेटमेंट है वो सुनवाया, उनके मुताबिक तो गंदम के बहरान का तासुर ही गलत है। वो कह रहे हैं कि 40 लाख टन गंदम हुकूमत के पास मौजूद है, तो एटलीस्ट आप जो है जरूर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जुलाई से नवंबर तक जो है पाबंदी के बावजूद गंदम बाहर भेजी गई, तो क्यों भेजी गई और किसने भेजी? ये सवाल आते हैं जो कि ऑपोजिशन भी उठा रही है। और फिर ये भी कहा गया है कि पाबंदी के बावजूद जो 48,000 मेट्रिक टन गंदम थी वो बाहर भेज दी गई, उसके बाद फिर आप इंपोर्ट कर रहे हैं अब 3 लाख टन जो है वजीर आजम के कहने पर। तो अब ये यहाँ पर डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आपने भी डॉक्टर रमेश कुमार साहब की गुफ्तगू सुनी है, उन्होंने एज इट इज बड़ा क्लियर कट
पॉइंट आउट किया कि कहां कहां लैकिंग्स रही हैं, जिन चीजों को मॉनिटर करना चाहिए था, जो फैसले ऑन टाइम करने चाहिए थे 3 माह पहले, उसमें डिले किया गया। तो ये अब क्या रिवर्स बैक हो सकेगा? वजह क्या थी कि पाबंदी के बावजूद हम देखते हैं कि गंदम जो है वो एक्सपोर्ट कर दी जाती है, और फिर जो हमारे सामने नंबर थे उसमें गंदम की जो पहली खेप है वो 15 फरवरी तक आने का अब इम्कान है, और जो खाद की बोरी है वो खुसरो बख्तियार साहब ने भी कहा कि उस पर 400 रुपए GIDC जो है उसकी छूट देने की मंजूरी दे दी है। तो अब ये एक तरफ जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, फिर अब वो इम्पोर्ट किया जा रहा है, ये सब क्या हो रहा है? क्या समझ ही नहीं आ रही हुकूमती हलकों को कि हैंडल कैसे करना है? जी, सारे हकायक जो थे, जैसे रमेश कुमार साहब ने भी और राजी साहब ने बताया, मैं अर्ज करूं कि उसके सूजी और मैदे की आड़ में जो इजाज़त मिली भी थी आपको 24 भेजी, वो दरअसल 6,40,000 टन तक जो थी वो तो एक्सपोर्ट की आड़ में भेज दी गई, और उसके अलावा जो स्मगलिंग हुई वो उसके अलावा थी। मगर अगर आप देखें और एक सूबे एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने के, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट जो है इसका ज़्यादा इल्ज़ाम सिंध को दे रही है, तो हमने जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री बना रखी है उसका क्या मकसद है? फिर जो हमारे यहाँ आप देखिए कितने अफसोसनाक बात है कि खुद वज़ीर आज़म मोहतरम जो हैं वो पहले तो बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे पिछली हुकूमत को कि वो EEC की मीटिंग नहीं करते। उन्होंने कितनी EEC की मीटिंग्स बुलाई जिसके अंदर ऐसी सूरत हाल जहाँ पे आपको नेशनल लेवल की प्लानिंग की ज़रूरत है, आपको फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री से लेकर जो अभी जैसे राज साहब ने कहा, इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी, मीडिया भी, हर कोई बता रहा था, खुद इस बात को रमेश कुमार साहब भी तस्लीम फरमा रहे हैं, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये वज़ीर आज़म मोहतरम के जो नॉलेज में था ये तो 5 सितंबर में आ चुकी थी, और उन्होंने हुक्म भी दिया था कि ये क्राइसिस जो है ये आने वाला है तो आप अभी इंपोर्ट की तैयारी करें। तो फिर वो कौन से हलके थे, वो कौन से वेस्टेड इंटरेस्ट थे जिन्होंने वज़ीर आज़म के इस हुक्म को भी नहीं माना और इस क्राइसिस को पैदा करने, कितनी मुनाफाखोरी जो है इसमें कौन से वो लोग हैं जिनकी बड़ी बड़ी फ्लावर मिल्स हैं, वो कौन से लोग हैं जो यहाँ से बाहर बेचते हैं, वो कौन से लोग हैं जो होर्डिंग कर रहे हैं? अगर ये मामला जैसे बेनजीर इनकम स्कूल से सारा मंजरनामा लग रहा है कि वजीर आजम के ऑर्डर्स हैं, वजीर आजम की पाबंदी को, चाहे पाबंदी उनकी जानिब से लगाई गई हो या ऑर्डर्स दिए गए, वो सब इग्नोर हो रहे हैं। वो कौन से माफियाज हैं जिनमें इतनी हिम्मत है, ताकत है कि वो इस सब को इग्नोर कर रहे हैं? यहाँ पर हम बिफोर वी मूव ऑन, हम आपको शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो इस आटे के क्राइसिस पर बात की गई है हम वो भी सुनवा दें, और फिर हम डिस्कशन में वी विल इंक्लूड दैट एज वेल। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, लेट्स लिसन टू दैट फर्स्ट। इन हाउस चेंज जो है ये एक कानूनी आईनी एक पार्लियामेंट का हक है, वो जब भी चाहे उसको इस्तेमाल वो कर सकती है, इसमें कोई इसमें दो राय नहीं है। और पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल इंतहाई तश्वीशनाक है, ख़ास तौर पर आप देखिए कि आटा और गंदम वो उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और शॉर्टेज है। मैं सवाल करता हूँ हुकूमत से कि गंदम के ज़खायर कहाँ गए और क्या खुदा ना खास्ता समगल हो गए, उसको अपना गंदम कम हुई, कौम को क्या बताया आपने कि क्यों 70 साल तारीख में सबसे ज़्यादा कीमत आज आटे की है? तो अगर इन हाउस चेंज की अगर कोई बात होती है तो ना वो गैर कानूनी बात है ना वो गैर सियासी बात है। जी रिजवान राजी साहब, जैसा कि कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के कौम को मालूम होना चाहिए कि नुकसान करके किसने फायदा उठाया है, वो ये भी कह रहे हैं कि आखिर गंदम के जखायर गए कहाँ, और अगर जखायर कम थे तो फिर गंदम को जो है एक्सपोर्ट क्यों किया गया? तो ये इस तमाम सिचुएशन पर आपके ख्याल में ऑपोजिशन को जो स्ट्रॉन्ग रोल जितना प्ले करना चाहिए था, क्या ऑपोजिशन उस पर पूरी उतरती नजर आ रही है या बराए नाम जो है शायद इजहार हो रहा है? मेरा नहीं ख्याल अपोजिशन को जो किरदार अदा करना चाहिए था वो कर पा रही है या उसे करने दिया जा रहा है। अपोजिशन को बुनियादी तौर पर अपनी पड़ी हुई है, रोजाना कोई ना कोई उनके खिलाफ रेफरेंस आ जाता है, कोई ना कोई उनके खिलाफ नया पंडोराज बॉक्स खोल दिया जाता है। देखिए ये जो गंदम का क्राइसिस है ये मास्टरपीस है, ये एक्सट्रीम है मौजूदा हुकूमत के गवर्नेंस के स्टैंडर्ड की, कि वो किस तरह की गवर्नेंस से इस कौम को हांकना चाह रही है।
یعنی پنجاب کے اندر ایک مٹی کا مادو جو ہے اس کو بٹھا دیا گیا ہے جو نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ سونگ سکتا ہے نہ ہل سکتا ہے اپنی مرضی سے. اسے بیوروکریٹ بریفنگ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں سائیں اسلام آباد جلسا تو وہ جو حکم کرے سن میں آ کے تو آپ کو دس دے سن. اس کی ٹوٹل اوقات اس شخص کی اتنی ہے. اسے اپریل سے یہ کہا جا رہا تھا کہ حضور دیکھیے موجودہ حکومت نے اپنے آپ کو آئی ایم ایف کے چنگل میں دیا, اور جب موجودہ حکومت نے اپنے آپ کو آئی ایم ایف کے چنگل میں دیا تو جو رقم آپ انٹرسٹ کے طور پہ ہر سال ادا کرتا تھا اور پنجاب کرتا تھا, کوئی اور صوبہ نہیں کرتا تھا, وہ رقم جو ادا کرتے تھے اور اسے آپ فوڈ سبسڈی کا نام دیتے تھے, وہ رقم آپ بڑھا نہیں سکے. بڑھانی کیوں ضروری تھی؟ کیونکہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ 7% سے اٹھا کے 14% کر دیا تھا, اور جب آپ 150-250 ارب روپیہ بینکوں سے ادھار لے کے اس کی گندم خریدتے تھے تو ان 150-250 ارب روپے کے ادھار کے اوپر آپ انٹرسٹ ریٹ ادا کرتے تھے. پہلے اگر وہ پورے سال میں 50 ارب تھا تو عمران خان صاحب کے اور ان کی اکنامک ٹیم کے سبز قدم پڑنے کے بعد اب وہ 100 ارب روپیہ سالانہ ہو گیا, اور ادھر سے آپ آئی ایم ایف میں پھنسے ہوئے, آپ سبسڈی نہیں بڑھا سکتے تو پھر کیا کریں؟ آپ نے پرکیورمنٹ آدھی کر دی. پریویس ایئر کی بات کریں تو پنجاب نے 65 لاکھ ٹن گندم پرکیور کی تھی سنگل ہینڈڈلی, اور اگر آپ سندھ کی اور پاسکو کی ملا لیں تو بات جو, اور پچھلے سال کا کیری اوور ملا لیں تو بات 92 لاکھ تک پہنچی تھی. اس دفعہ انہوں نے ایکسپورٹ بھی کر ڈالی اور پنجاب نے جو پرکیورمنٹ کی وہ 65 لاکھ بھی نہیں تھی, 65 کا آدھا بھی نہیں تھی, 30 لاکھ ٹن کے قریب گندم تھی پاسکو کی, سندھ کی اور پنجاب کی ملا کے. اس صورت میں آپ کیسے توقع کریں گے کہ بحران نہیں آئے گا؟ سندھ کے پاس پچھلے سال کی کیری فارورڈ تھی, اس نے ایک دانہ نہیں خریدا جی پچھلے سال. اس نے کہا جی ہمارے پاس پریویس پڑی ہوئی ہے جس کو فنگس بھی لگ گیا, جسے آج انہوں نے ریلیز بھی کرنا شروع کر دیا. ایون دین اگر ان کے پاس اگر ان کے اوپر الزام ہے کہ ان کی وجہ سے سچویشن ایگریویٹ ہوئی کہ انہوں نے گندم پروکیورمنٹ نہیں کی, لیکن گندم تو ان کے پاس تھی, لانڈی کے جو ویئر ہاؤسز ہیں وہاں سے آج گندم جاری ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ صرف یہ مسئلے کا وجہ نہیں تھی. مسئلے کی وجہ بنیادی طور پہ جلب زر ہے, لسٹ فار منی ہے, اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے اس حکومت کے اندر بیٹھ کے 500% سے لے کے 2000% تک قیمتوں میں اضافہ کیا جو لائف سیونگ ڈرگ تھی, اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. وہ لوٹ مار کر کے وہ شخص اربوں کی دیہاڑی لگا کے نکل گیا کابینہ میں سے, وہ اس وقت پارٹی کا سب سے بڑا عہدیدار ہے. اور یہ ہے یہاں پہ یہ معیار کہ زرتاج گل کی بہن جو ہے وہ ایک ادارے میں ڈیپوٹیشن پہ چلی جاتی ہے, عمران خان اس پہ ڈسپلیئر کا اظہار کرتے ہیں, نہ اس کی اپوائنٹمنٹ ریووک ہوتی ہے نہ اس کے خلاف کوئی. یہاں پر ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, یہ ابھی آپ نے رضوان راضی صاحب کی بھی ریزرویشن سنی ہے, اور دوسرا ہم یہ بھی سنتے ہیں خسرو بختیار صاحب کل کہتے ہیں کہ 9000 ٹن گندم جو ہے وہ کراچی کے لیے دی گئی ہے. ٹرانسپورٹر اسٹرائک کی وجہ سے سندھ کو گندم کی فراہمی متاثر ہوئی تھی, سندھ کو جو گندم کی فراہمی ہونی تھی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ نے اس سال 7 لاکھ ٹن جو ٹارگٹ کے باوجود تھا وہ گندم کا ایک دانہ بھی نہیں خریدا. تو اس میں پروونشل گورنمنٹس کی بھی سستی کہی جائے گی, ان کی بھی لیک آف گورننس کہی جائے گی. کیا فرمائیے گا جو سندھ کی پرفارمنس ہے, اور پھر یہاں پر بلاول بھٹو کے اوپر بھی لگایا گیا الزام کہ انہوں نے شاید اپنے جو قریبی ساتھی تھے رفقات تھے ان کو شاید 90 بلین روپیز کا جو ہے وہ سٹاک دے دیا گیا, تو یہ تو پھر ہر لیول پر ہی یہاں پر گورننس کی لیکنگ نظر آ رہی ہے. نیلم ہوتا یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے سیکرٹری جو خود کے ہوتے ہیں وہ چاروں پروونشل گورنمنٹس کو بلاتے ہیں اور وہ ایک پالیسی بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا فصل ہے, اتنی ہمارے پاس کراپ اور اتنی ہماری کنزمپشن, اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی فیڈرل لیول پہ بنتی ہے, کرتی چاروں پروونشل گورنمنٹ ہے. ایک نیشنل پالیسی بنی کہ اس مرتبہ جو ہے گندم پروونشل گورنمنٹ خریدے گی نہیں, جو چاروں پروونشل گورنمنٹ نے پرچیز نہیں کی. تو اس وقت اگر ہم سندھ کو صرف ٹارگیٹ بنائیں تو وہ غلط ہے, پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں مس مینجمنٹ ہے ساری پروونشل گورنمنٹ کی بھی ہے, اتنی شارٹیج بھی نہیں ہے. اگر یہ مونوپولی آ جاتی ہے, جب بڑے ہاتھوں میں گندم اگر آ جاتی ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے جو خدشہ جو کیا تھا وہ اس وجہ سے کیا تھا کہ ہمیں ریگولیٹ کرنی ہوتی ہے کہ آپ جب گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے تو فلڈ میں پابند ہوتی ہے,
आज फ्लोर मिलों को अगर गंदम बाहर से महंगी परचेज करनी पड़ती है तो लाजमी है वो अपनी बात करेंगे कि हम कहाँ से जो वो ये करें। तो ये इशू जो है अगर साथ में एक तरफ हम एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, दूसरी तरफ हम इम्पोर्ट की बात करते हैं, तीसरी तरफ हम लाखों टन स्टार्च की भी बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ हमें अपने बोलने में हम खुद फंस जाते हैं। हमारे वज़रा जो अगर बोले कम काम ज्यादा करें तो हमारे लिए मसाइल कम खत्म हो जाएंगे। सिर्फ बोल के डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपके वज़रा का अगर रवैया देखा जाए, हम देखते हैं कि यहाँ पर अवाम जो है वो चीख रही है आटे के क्राइसिस पर, महंगाई पर। हर चौथा शख्स जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में भूख का शिकार है। सैकड़ों लोग जो हैं वो कहत फेस कर रहे हैं, और उस पर जो हमारे हुकूमती वज़रा हैं उनके जो रवैये हैं, उनके जो अल्फाज हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। बल्कि अवाम का मजाक उड़ाने वाली बात की है। हमें शेख रशीद साहब कहते हुए नजर आते हैं कि नवंबर दिसंबर में अवाम रोटियां ज्यादा खा जाती है। हमें शौकत यूसुफ जई साहब कहते हुए नजर आते हैं कि वजन रोटी का कम कर देना चाहिए। और फिर आज हद हो जाती है कि जब सदर ममलिकत प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो है वो टोटली आटे के बोहरान से लाइल निकलते हैं। हम आपको पहले सुनवा देते हैं व्हाट एग्जैक्टली ही सेड व्हेन ही वाज क्वेश्चन्ड अबाउट द व्हीट क्राइसिस। क्या जवाब था उनका, पहले ये सुन लेते हैं। बदतरीन आटे का बुरान चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या हुकूमत इसके लिए आप इसका मुझे पता नहीं है मगर पता होना चाहिए। जी डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आपकी जानिब आएंगे। यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से जब पूछा गया आटे के क्राइसिस के हवाले से तो वो कहते हैं मुझे पता नहीं है लेकिन मालूम होना चाहिए। और फिर जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि शेख रशीद साहब कहते हैं कि नवंबर दिसंबर में अवाम ज्यादा रोटियां खा जाती है। शौकत यूसुफ जई जो है रोटी का वजन कम करने की बात करें, आखिर ये वज़रा इनको ये डेप्थ ऑफ क्राइसिस की रियलाइजेशन है, ये क्या अवाम की तजहीक कर रहे हैं, उनकी भूख की, उनकी अफलास की क्या उनको एहसास है जो हुक्मरान बैठे हुए? यकीनी तौर पर, मगर जैसे मैं अर्ज कर रहा था ये इसके पहले के यहाँ पे जो है वो सदर ममलिकत भी वफाक की अलामत है। फिर 18th अमेंडमेंट के बाद हमने ये भी तब्दीली लाए कि एक इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री होगी। फिर उसके बाद ये तब्दीली लाए कि जो हमारी इकोनॉमिक काउंसिल और जो हमारी टेक प्लानिंग है इकोनॉमिक की और जो हमारी फूड सिक्योरिटी है उसके बारे में जो है वो कम अज़ कम एक 3 माह में एक मीटिंग ज़रूर हुआ करेगी वज़ीर आज़म मोहतरम के ज़ेर निगरानी, जिसमें वो चेयर करेंगे और उसमें ये सारे मामला देखे जाएंगे। अभी आप देखिए कि मिनिस्टर साहब, आप उनसे जो है वो अच्छे रवैये की तवक्को कर रहे हैं और उनका लहजा किस कदर अग्रेसिव था। फूड सिक्योरिटी के जो फेडरल मिनिस्टर हैं उनको यही पता नहीं है कि पंजाब ने 3 महीने से इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट ऑफ वीट पे पाबंदी लगा रखी थी, तो ट्रांसपोर्ट की हड़ताल का इससे क्या लेना देना है। और मैं जैसे अर्ज कर रहा था कि उनका अब एक ही फेवरेट पास टाइम रह गया है कि या तो चीज़ों का मजाक उड़ाया जाए वज़रा के बिहाफ के ऊपर, या फिर वो चीज़ों को इस तरह तो रोड मरोड़ कर पेश करते हैं, यानी कि ब्लेम गेम में पड़े रहते हैं कि जी दरअसल कोई जहाँ जहाँ उनके हुकूमतें एडवर्सरी हैं वो तो छोड़िए, आप ये बताइए कि फिर खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में क्यों इसका क्राइसिस पैदा हुआ है जहाँ उनकी अपनी हुकूमतें हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक तरफ तो लेकिन डॉक्टर इकरामुल हक साहब, यहाँ पर अगर हम इस जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें भी लैकिंग्स नज़र आ रही हैं। अगर हम थोड़ा सा माजी में जाते हैं तो हमने देखा कि जो जीडीपी था उसमें जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था हमारा उसकी कंट्रीब्यूशन 58% तक थी, 53% तक थी, और आज अगर हम बात कर लें तो आज कंट्रीब्यूशन सिर्फ 18% तक रह गई है। एक तो इस डाउनफॉल की वजह क्या हुई है, और हमारे सामने जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिस ईयर आता है उसमें बड़ा क्लियर कट बताया है कि 2018 और 2019 के साल में जो ग्रोथ फैक्टर है एग्रीकल्चरल सेक्टर का वो सिर्फ 0.89% हुआ है, जबकि टारगेट जो था वो 3.9% का था। तो हम इतने बिहाइंड क्यों होते चले जा रहे हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में, जबकि ये तो हमारी इकोनॉमी की एक बैकबोन है। इसको इसके इसमें क्या रिफॉर्म्स लानी चाहिए, क्या रिफॉर्म्स जिनकी की जरूरत है वो करती नजर आ रही है ये मौजूदा हुकूमत? बिल्कुल भी नहीं। देखिए एक तरफ तो फार्मर्स के ऊपर जो है वो इस कदर जो बोझ लाद दिया गया है कि जो उन्होंने पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं उसके ऊपर आप सेल टैक्स की शरह देखिए, आप जो वो बिजली इस्तेमाल करते हैं या डीजल इस्तेमाल करते हैं, जाहिर है उन्होंने ट्यूबवेल भी चलाने हैं,
उसका आप देखिए कितना बुरा हाल है। और इधर ही देखिए हमसाया मुल्क जिसको हम गालियां देते हैं, वहाँ का पंजाब जो मशरकी पंजाब है वो पूरे इंडिया को जो है वो फूड सप्लाई करता है, हालांकि उनकी ज़मीनें भी और नहरी निज़ाम भी हमसे बहुत कम है। तो प्रोडक्टिविटी में हम क्यों नीचे हैं? Alright. जाहिर है कि जब आपने उसको नॉलेज बेस नहीं बनाया, आपने फार्मर्स बहुत कम रह गए। हम डॉक्टर रमेश कुमार साहब से एक और जानिब जो है सवाल उठाना चाहेंगे। रमेश कुमार साहब, हम देख रहे हैं कि जो हुकूमत है वो एक तरफ इत्तेहादियों को मनाने में जो है मसरूफ नजर आ रही है, लेकिन इत्तेहादी जो है वो नाला नजर आ रहे हैं। और फिर अब इत्तेहादियों के साथ साथ आपके अपने जो वुजरा हैं हकूमती, वो भी पंजाब सरकार पर जो है तनकीद कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब का खत हम सबके सामने है। तो एक तरफ इत्तेहादियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है, दूसरी जानिब जो है हकूमती वुजरा नाराज होते जा रहे हैं पंजाब सरकार से, और अब तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की भी खबरें आ रही हैं कि पंजाब में पीटीआई के अपने अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। नीलम, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को नहीं कोई खतरा है। 2002 से मुख्तलिफ हुकूमतों में मेरा हर हुकूमत को एक साल के बाद गिराने की साजिशें हुई, मगर सारी गवर्नमेंट ने अपना टाइम पूरा किया। तो मैं बिल्कुल इस चीज पे कॉन्फिडेंट हूँ कि गवर्नमेंट चलेगी। हाँ, गवर्नमेंट अगर अपनी राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की पॉलिसी को आगे बनाती बढ़ाती है और सही इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, अवामी इश्यूज को कंट्रोल करती है, गंदम की तरह ब्लेंडर नहीं होते हैं, इस तरीके की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस गलत नहीं होती है, तो मैं समझता हूँ किसी चीज का कोई खुद का नहीं है, कोई परेशान नहीं है। मगर अगर इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं हुआ तो फिर अपोजिशन भी खतरा है और आवाम भी खतरा है और इत्तेहादी भी खतरा है। मगर इन सारी चीजों से मुझे कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इत्तेहादियों को इससे भी कोई खतरा नहीं है, अपोजिशन से भी कोई खतरा नहीं है। खतरा सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत, लेकिन उन खतरात से आपकी नजर में हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार साहब, डॉक्टर इकरामुल हक साहब, रिजवान राजी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, अब देखना यह होगा कि हुकूमत मौजूदा हालात में मुश्किलात का शिकार तो है, एक तरफ इत्तेहादियों की नाराजगी है, एक तरफ मईशत का क्राइसिस है, बदतरीन गवर्नेंस है, और फिर वुज़रा के गैर जिम्मेदाराना रवैये भी हैं। तब्दीली के लिए हालात साजगार हैं, मगर अपोजिशन जो है वो भी इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रही सही अपोजिशन करने में। आगे ये हालात क्या रुख अख्तियार करेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही, सी ऑल टुमारो नाइट। अंटिल देन, अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।